अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक यानी कि हॉर्स कॉफ है, इसको तकरीबन कोई 24 घंटे का यानी कि रिटेंशन ऑफ द यूरिन का मसला बना हुआ है, पेशाब का बंद लगा हुआ है। ये कभी ये बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, कभी लेट रहा है और ये दर्द महसूस कर रहा है। बार बार अपनी कभी अगली टांग को उठाता है और नीचे ज़मीन पर रखता है, कभी दाईं टांग, कभी बाईं टांग, कभी दोनों पिछली टांगों को भी उठाता है और ये दर्द महसूस कर रहा है, कोलिक की यानी किसी अलामत महसूस कर रहा है। तो ये जो फार्मर है बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने पहले इसको पेन किलर के तौर पर कीटोजेट वगैरह का यूज़ किया था और लास्ट इसका भी यूज़ किया था, लेकिन इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। तो जब आपने आकर चेक किया तो हमने भी यही देखा कि इसको रिटेंशन ऑफ द यूरिन का मसला है। तो हमने इसको डाइयूरेटिक डोरेटेक हमने 10 ml इसको IV दिया और साथ हमने फ्लूटक इंजेक्शन फ्लोनेक्स मेगलोमीन का हमने IV दिया और देने के बाद और यानी कि इसको करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही फ़र्क पड़ने लग गया और ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और ये तकरीबन पेन की जो सी अलामत हैं वो भी इसकी क्लियर हो गई थी और इसका यूरिन जो रुका हुआ था वो भी इसने यानी कि फ़ौरन तौर पर जो यानी कि यूरिन की जो रुकी हुई अलामत है वो हमें बता दी और ये यूरिन करने लग गया और यूरिन करते ही इसकी दर्द भी ख़त्म हो गई और ये चारा वगैरह भी खाने लग गया और जो जो उठने बैठने की सी अलामत हैं वो भी दुरुस्त हो गई थी। ये देखो हमने इसको अपने इंट्रा यानी कि मस्कुलर तौर पर भी लगा रहे हैं पेन किलर के तौर पर और पेन किलर तो हमने फ्लोनेक्स मेगलोमीन और डोरेटिक वगैरह हमने IV दिया और एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं साथ ताकि इसको कोई ज़मीनी इन्फेक्शन का यानी कि प्रॉब्लम ना बन जाए। इसको हमने एंड्रोफ्लोक्सासिन का 5 ml तक इंट्रामस्कुलर डोज दी ताकि इसको कोई ज़मीनी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये 24 घंटे की इसको कॉलर का मसला बना हुआ था रिटेंशन ऑफ द यूरिन का। तो हमारे साथ एहतियाती तदाबीर के लिहाज से हमने इसको एंड्रोफ्लोक्सासिन का भी 5 ml का इंजेक्शन दे दिया ताकि इसको कोई ज़मीनी इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े।